दोस्तों आज करने वाले हैं यूट्यूब कॉपीराइट के बारे में। तो ये कॉपीराइट दो प्रकार के होते हैं, तो वो आपके सामने दिख रहे होंगे। एक नंबर पे है कॉपीराइट क्लेम और दूसरे पे है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो हम आज बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। कॉपीराइट क्लेम के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपीराइट टूल जो दिया गया आपको, सिंपली आपको उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसमें नहीं जाते हो तो यहाँ पे एक नया रिमूवल का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप भी आप स्ट्राइक दे सकते हो। यहाँ पे इन्हें देखिए, मेरी काफ़ी सारी बंदों ने मेरी वीडियो कॉपी कर रखी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है रिक्वेस्ट रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको रिक्वेस्ट रिमूवल पे, और यहाँ पे आप चाहो तो चैनल से इनके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अपनी ईमेल डालकर, ठीक है। अगर कहो भाई मेरा ये वीडियो आपने कॉपी किया है तो इसको हटा लो, तो इनसे यहाँ से कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। आप अगर करना चाहो तो कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना, मुझे स्ट्राइक मारनी है, ठीक है। तो मुझे सिंपली यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस होता है यहाँ पे सारा आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ऐड ए वीडियो, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। वही वाला जो वीडियो अभी कॉपी किया है वही वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कितने देर में आएगा लगभग। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक नहीं किया है, देखता हूँ ऑटोमेटिक शायद आ जाए, हो सकता है ऑटोमेटिक सिस्टम हो इसमें कुछ। हाँ अरे भाई नीचे आ गया था भाई, यार सिंपली नीचे आ गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको भरना है माई ओरिजिनल सॉन्ग यूज किया है उन्होंने, ठीक है। मेरा जो भी सॉन्ग है उन्होंने यूज किया है, इसलिए मैं अपनी सॉन्ग पे उसमें मानना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा चैनल, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। और आपको माननी है स्टैंडर्ड वाले, ठीक है, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ, ठीक है। इस पर मारोगे तो पता 12 घंटे में स्ट्राइक पहुँच जाती है बंदे के पास। और उसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका सॉन्ग जो भी डालेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहते हो कोई अदर सॉन्ग डाले। और यहाँ पे सभी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिग्नेचर वाले पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड में आधार कार्ड में नाम हो वही नाम डालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सिग्नेचर कर रहे हो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद सिंपली आपको नीचे जो मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे पूरा हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद मिलेगा आपको सबमिट का ऑप्शन, वहाँ से आपको करना पड़ेगा सबमिट। तो यहाँ पे देखिए लीगल एग्रीमेंट पे भी टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीनों पे टिक करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर पे अपना नाम डाल देना जैसे मैंने डाल रखा है, और ऊपर आ रहा है सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिवेट भी हैं स्ट्राइक हैं, कुछ इनएक्टिवेट हैं, और यहाँ पे कुछ अंडर रिव्यू चल रही है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही दिखेगा, अगर आपकी किसी ने कॉपी किया होगा ना, अगर आप स्ट्राइक भेजोगे तो अंडर रिव्यू दिखाएगा, अगर स्ट्राइक पहुँच चुकी होगी तो एक्टिवेट दिखाएगा, और आपने स्ट्राइक वापस ले गई होगी तो इनएक्टिवेट दिखाएगा। तो सिंपली यही वीडियो था हमारी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो डालता रहूँगा।